नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत। और 1 अप्रैल से जहां गेहूं की खरीद जो है वो शुरू हो चुकी है, हालांकि आज जो है तुलाई शुरू हुई है और अनाज भी आना शुरू हो चुका है। तो फिलहाल हम मार्केट कमेटी के दफ्तर में हैं और हमारे साथ हैं सेक्रेटरी साहब नरेश मान जी। उनसे जानेंगे कि अब की बार जो है क्या रूपरेखा तैयार की गई है ताकि किसान को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए और उसकी फसल भी बिके, और किस तरह की ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोविड भी चल रहा है, इस तमाम मद्देनज़र क्या कुछ रूपरेखा है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सेक्रेटरी साहब, क्या तैयारियां हैं अब की बार जो है किसान की फसल जो है अब 1 तारीख से थी और आज से शुरू हो चुकी है, कहां कहां पर अनाज है? हाँ जी, नमस्कार जी। सबसे पहले तो ये है जी, जैसे शेड्यूलिंग के बारे में बताना चाहता हूँ किसान की। जैसे भी शेड्यूल आएगा चंडीगढ़ से, उस यही रिक्वेस्ट करता हूँ किसान भाई से, अपने शेड्यूल के अनुसार ही लाए। अगर शेड्यूल वाले दिन आपकी गेहूं नहीं पक कर तैयार होती, आप उसको रीशेड्यूल भी करवा सकते हैं। ठीक है, हमारी कमेटी में या अपने खुद साइट पे जाकर खुद भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं घर है, तो हमारी कमेटी के स्टाफ से या सेक्रेटरी से कंसल्ट कर सकते हैं कि कोई मतलब किसान को कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे। अगर फिर भी सपोज करो सोमवार, मंगल, बुध, वीर, 5 दिन के अंदर अंदर फिर भी आप नहीं ले आ सकते सप्ताह में, तो शनिवार और इतवार को ओपन रहेगा पोर्टल, उसमें आपने रिशेड्यूल करने की भी चाहना पड़ेगी। अच्छा, कर नहीं सकते उसमें, वैसे भी ले आ सकते, वहाँ से ले आ सकते। जो जैसे 5 डेज नहीं ले आया, अगर 5 डेज के अंदर उसका शेड्यूल था तो 5 डेज नहीं लिया, तो शनिवार को और संडे को आप उसको ले सकते हैं, उसमें रिशेड्यूल करने की भी चाहना पड़ेगी। तो अब जैसे सीजन है और सीजन 10-15 दिन का ही होता है गेहूं का, तो ऐसे में किसान कैसे रोक सकता है? मान लो आज उसकी कटाई हुई है और उसका मैसेज 3 दिन बाद है, तो ऐसे में तो संसाधन भी जो है उसके खड़े हो जाएंगे, और इस तरह से कैसे मैनेज किया गया है? क्या कुछ सरकार ने एक न्यूज़ आई है सरकार ने, वो आजकल अपडेट हो जाएगी भी, 50% सरकार करेगी, 30% आड़ती करेगा और 20% फार्मर खुद भी कर सकता है। क्या क्या करेगा थोड़ा बताना? शेड्यूलिंग कर सकता, अच्छा शेड्यूलिंग कर सकता है 50% तो सरकार, 30% अड़तियान अपने फार्मर का, 20% स्वयं कर सकता है फार्मर, तो इसमें कोई दिक्कत ना आए किसान को। इसलिए हाँ, इसलिए अच्छा। तो अब गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है, कहाँ कहाँ पर आपके केंद्र की आवक है? मेरे पास अपना पानीपत मंडी, बाबरपुर मंडी है, बबैल मंडी है। बबैल मंडी जो है अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बाबरपुर मंडी में आज मैंने 11 बजे वहाँ बोली करवा दी है, तो 3 बजे तक लगभग 2300 क्विंटल की सेल हो चुकी थी जो कि एफर्ट द्वारा की गई है। अच्छा, तो अब पानीपत में भी एक आज परचेज एफर्ट की है, एफर्ट ने भी 320 क्विंटल परचेज किया है, और जो आवक थी 800 क्विंटल की आई है। पानीपत में कुछ गिल्ली है, गिल्ली कारण से हमने ग्राउंड लगाएंगे 5 बजे, जैसे भी स्पेसिफिकेशन में आएगी उसको भी ले। खरीद कौन कौन कर रहा है एफर्ट के अलावा? एफर्ट के अलावा FCI भी है, वेयर हाउस भी है, और बस तीन ही है। जी जी। तो अब व्यापक तैयारियों की बात की जाए, तो मंडी में व्यवस्थाओं की बात की जाए, तो वो किस तरह की तैयारी है मार्केट कमेटी? बिल्कुल तैयारी ओके है जी। जो मंडी की साफ सफाई है, बिजली है, पानी है, टॉयलेट है, ठीक है, कोई किसान भाइयों को कोई समस्या ना आए, ठीक, उसके लिए बिल्कुल तैयारी व्यापक की गई है। फिर भी कोई समस्या आती है तो किसी भी समय सेक्रेटरी के पास अगर अपनी प्रॉब्लम बता सकता है। कितना अनाज जो है मंडी अनुसार, क्योंकि कोविड का भी ध्यान रखा होगा, तो किस तरह से शेड्यूलिंग बनाई गई है कि इस परचेज सेंटर पर इतना अनाज एक दिन में आ सकता है, किस तरह की शेड्यूलिंग? ऐसे एक टारगेट सा दिया है जी हेड ऑफिस ने, जो सभी प्रिंसिपल यार्ड हैं, जैसे हमारी 40,000 कैपेसिटी दी है एक दिन की, सभी यार्ड की 20,000 क्विंटल, और परचेज सेंटर की 10,000 की कैपेसिटी दी है, इसके हिसाब से लेंगे। अच्छा, पेमेंट का जो इशू कई बार पहले बनता था, अब की बार क्या तैयारी है? अभी पेमेंट कितने दिन में किसान की हो जाएगी? अब की बार तो सरकार ने डायरेक्ट खाते में भेजने का प्रयास किया। सरकार के आदेश अनुसार सरकार कहे हैं कि हम 72 घंटे के अंदर अंदर की पेमेंट फार्मर के खाते में डाल देंगे। सरकार ये कह रही है वो अगर 72 घंटे में ना गई तो हम 9% ब्याज भी देंगे। ब्याज भी दिया जाएगा अब की बार? ऐसी ऐसी तैयारियाँ हैं। हाँ हाँ,
तो और क्या कुछ खास है और किसानों को क्या कुछ कहना चाहते हैं? बस किसान भाइयों से यही अनुरोध करता हूं मैं कि भाई अपने सरकार के हिदायत अनुसार साफ सुथरी सुखा अपनी फसल मंडी में लाए ताकि आते ही उसकी एजेंसी द्वारा खरीद पूरी हो सके। अगर आप गिल्ली लाओगे तो मंडी में ज़्यादा एक सुखाने की प्रॉब्लम आएगी, क्यों मंडी में ज़्यादा आए क्योंकि सीज़न छोटा है तो जल्दी क्यों आ जाता है, तो इसमें थोड़ी स्पेस की भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यही रिक्वेस्ट करूँगा अपने मैसेज के अनुसार और साफ सुखा कर लाओ। और ये एक और रिक्वेस्ट है, शाम को 6 बजे पीछे गेहूँ ना कटाओ प्लीज़, रिक्वेस्ट है क्योंकि उस टाइम नमी हो जाती है, नमी हो जाती है। यही प्रार्थना करता हूँ किसान भाइयों से। तो अब जैसे कि पिछली बार जो पीआर की होती जीरी में ऐसा था, अभी कई बार किसानों की शिकायत थी कि कट लगाते हैं इस तरह से गिल्ली फसल ना आता, तो इस पर भी इस तरह का प्रावधान है? नहीं नहीं नहीं, गेहूँ में कोई कट नहीं होता किसी प्रकार का, ना ना वही रेट है सरकार द्वारा निर्धारित किया 1975 रुपये का रेट है, इसके अंदर कोई कट नहीं होता। ये थे मार्केट कमेटी सचिव जो है नरेश मान जी, उन्होंने कहा कि जो किसान है जिनका मैसेज उनके पास आता है तो उसी समय वो फसल लेकर आए, और उसको लेकर उन्होंने प्रावधान भी किया कि आपकी फसल तैयार नहीं है तो आप उसको रीशेड्यूल करा सकते हैं और आप उसका समय जो है बदलवा सकते हैं, आप खुद भी बदल सकते हैं। और इसके बावजूद यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं, जो किसान उस तक नहीं पहुँचता, वेबसाइट पर नहीं अपना काम कर सकते हैं, तो वो शनिवार और इतवार को ला सकते हैं, लेकिन शेड्यूल के अनुसार ही वो लेकर आएँ ताकि उनकी खरीद हो। एक बात और पूछना रहेगा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत कोई ऐसा भी है कि एक एकड़ के लिए इतना ही अनाज खरीदना कोई पर्याप्त प्रावधान ऐसे दिया गया है टारगेट? सरकार ने ऐसा, सरकार की अब एक ये लेटर आया है उसके अंदर 30 क्विंटल की कैप है एक एकड़ में, और 10% एक्स्ट्रा 30+3 33 क्विंटल एक एकड़ में ला सकते हैं, उसके आगे नहीं बेच सकते? नहीं, उसकी तो होती इतनी इल्ड होती इसलिए तो होती ना इल्ड 33 क्विंटल बहुत ज़्यादा होती है जी। बिल्कुल हाँ, ये बात बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये बात हम आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं कि सिटी तहलका का प्रयास है कि तमाम जो किसान हैं जिनकी फसल आ चुकी है वो किसी तरह से परेशान ना हो, और उनको तमाम जानकारी आप तक हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचती रहे। वो हर फील्ड की बात हो, वो चाहे किसान आंदोलन की हो या फिर किसानों की या फिर अन्य जुड़ी शहर की खबरें, तमाम खबरों पर हमारी नज़र है। और आप इन इस बारे में क्या कुछ कहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। किसान से जुड़ी या फिर किसान की फसल मंडी तक आने तक कोई ऐसी कोई दिक्कत है तो उसके बारे में भी हम आपको पूरी तौर पर जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपने सवाल साझा कर सकते हैं। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।